हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है महात्मा ज्योतिबा फुले रुहिलखंड विश्वविद्यालय बरेली और उससे एफिलेटेड कॉलेजेस के स्टूडेंट्स के लिए। इस वक्त की कई सारी अलग अलग महत्वपूर्ण अपडेट आ रही हैं। जी हाँ दोस्तों, आपके एडमिशन रिजल्ट और एग्ज़ाम से संबंधित, तो आप वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसी के साथ जो पहली अपडेट है वो बरेली कॉलेज से है। पीजी कोर्सेज के एडमिशन की जो सेकेंड मेरिट लिस्ट है वो यहाँ पर जारी कर दी गई है। जिन स्टूडेंट्स ने बरेली कॉलेज में एडमिशन के लिए आवेदन किया है वो अपनी सेकेंड मेरिट लिस्ट कॉलेज की वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं। जैसे कि आपने अगर एमए राजनीति शास्त्र या एमए ड्राइंग एंड पेंटिंग या फिर एमए मिलिट्री साइंस, इसके अलावा एमकॉम, एमएससी जूलॉजी और एमएससी केमिस्ट्री की जो सेकेंड मेरिट लिस्ट हैं, इन सभी में मेरिट लिस्ट जारी की गई है, तो आपको कॉलेज में आकर अपना प्रवेश लेना होगा। छात्र कॉलेज की वेबसाइट पर जो है वो मेरिट देख सकते हैं। वहीं कॉलेज में प्रवेश के लिए छात्र जो है वो भी पहुंचने लगे। इसके साथ अगली बड़ी अपडेट की बात करें तो यहां पर ये अगली बड़ी अपडेट भी बरेली कॉलेज से ही आ रही है। बीएससी थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर के जो एडमिशन वो अभी कुछ दिन के लिए टाल दिए गए, यानी कि जो एडमिशन है वो अभी नहीं होंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर देखिए बरेली कॉलेज में बीएससी तृतीय और पंचम सेमेस्टर के प्रवेश अभी किन्हीं कारणों से कुछ दिन टाल दिए गए हैं। प्रवेश के लिए कॉलेज में कमेटियाँ बना दी गई हैं, ठीक है। तो ये कमेटी पता नहीं क्या क्या होगा, फिलहाल आगे जैसे ही एडमिशन स्टार्ट होंगे आपको जानकारी मिल जाएगी। बाकी इसके अलावा आप अपने कॉलेज में अधिक जानकारी के लिए संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा तृतीय और पंचम सेमेस्टर के छात्र वैसे की कक्षाओं में पहुँचकर अध्ययन कार्य जो है वो जारी रखें, ठीक है। अपना जो पढ़ाई वगैरह वो स्टार्ट रखें कॉलेज में आकर, ये ना सोचें कि पढ़ाई नहीं हो रही, पढ़ाई हो रही, फटाफट आइए। इसके अलावा एक और बड़ी अपडेट मिलेगी। पहले ये देखिए प्रश्नातिक यानी पीजी कोर्सेज के प्रथम सेमेस्टर के रिजल्ट जारी किए गए। कल रुहिलखंड यूनिवर्सिटी की तरफ से बहुत सारे कोर्सेज के रिजल्ट जारी कर दिए गए और इस बारे में मैं ऑलरेडी वीडियो बनाकर आपको बता चुका हूँ। कल रात में ही वीडियो बना दी थी कि पीजी कोर्सेज में आपके एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर, ठीक है, इसके अलावा आपके एमए, इन दो कोर्सेज के बहुत सारे रिजल्ट, कम से कम 15-20 से ज़्यादा ही रिजल्ट होंगे, ठीक है। वो सभी रिजल्ट जारी किए गए हैं रुहिलखंड यूनिवर्सिटी की तरफ से कॉलेज वाले स्टूडेंट्स के लिए। चाहे आप किसी भी कॉलेज से हो, आपके रिजल्ट आ चुके हैं एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर और एमए फर्स्ट सेमेस्टर, जो परीक्षा आपकी लगभग जून के महीने में हुई थी, ठीक है। तो वो अपने रिजल्ट जाकर चेक कर लीजिए। और यहाँ पर ये बताया भी गया, देख लीजिए लिखा हुआ है कि परीक्षा जून में हुई थी लेकिन रिजल्ट आने में काफ़ी देरी हुई है, इसकी वजह की कॉलेजों ने मिड टर्म और प्रैक्टिकल परीक्षाओं के जो अंक हैं यानी कि जो मार्क्स होते हैं वो समय पर नहीं भेजे। अभी तक एक विषय का रिजल्ट अभी रुका हुआ है। बुधवार को विश्वविद्यालय ने एमए सैन्य अध्ययन शास्त्र शिक्षा शास्त्र फैशन डिजाइनिंग भूगोल हिंदी इतिहास गृह विज्ञान गणित फणित पता नहीं क्या क्या जितने सारे सब्जेक्ट हैं सभी के रिजल्ट जारी मार दिए हैं। और आप अपने जो रिजल्ट हैं वो वेबसाइट पर जाकर चेक कर लें। हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं, आप चाहे तो वीडियो में देखकर अपने जो रिजल्ट है वो चेक कर लें। बाकी यहाँ पर क्या बताया गया आगे देख लीजिए। ये वाली अपडेट आपके लिए नहीं है, ये अपडेट आपके लिए नहीं है बताया गया है यहाँ पर, ठीक है। इसके अलावा रुहिलखंड यूनिवर्सिटी की अगली अपडेट के लिए आप इधर साइट पर चेक करेंगे। एमटेक पीएचडी में एडमिशन के लिए 25 तक रजिस्ट्रेशन होंगे। एमजेपी रुहिलखंड विश्वविद्यालय में एमटेक पीएचडी ड्यूल डिग्री पाठ्यक्रम यानी कि ड्यूल डिग्री कोर्स में प्रवेश के लिए जो रजिस्ट्रेशन है वो शुरू करा दिए गए और रजिस्ट्रेशन की जो लास्ट डेट है वो 25 सितंबर रखी गई है। इसके साथ ही यहाँ पर एक और बड़ी अपडेट है, देख लीजिए, ये काफ़ी बड़ी अपडेट है, ठीक है। ऐसा तो कभी सोचा ही नहीं होगा, अमेरिका के विश्वविद्यालय से होगा समझौता। महात्मा ज्योतिबा फुले रुहिलखंड विश्वविद्यालय और मिसिसिपी वैली स्टेट यूनिवर्सिटी यूएसए के साथ एएमयू होगा और एमओयू होगा। कुलपति के कमेटी कक्ष में डी के गुरुवार सुबह 11:30 बजे कई पदाधिकारी यानी कि जो अधिकारी है वो इस दौरान उपस्थित रहेंगे। तो दोस्तों ये थे रुहिलखंड यूनिवर्सिटी उससे रिलेटेड कॉलेजेस के स्टूडेंट्स के लिए बहुत सारी लेटेस्ट अपडेट है। इस समय आपके जो इम्प्रूवमेंट परीक्षा फॉर्म है वो फिल किए जा रहे हैं और लेफ्ट आउट एग्ज़ाम फॉर्म है वो भी फिल किए जा रहे हैं। अगर आपका कोई प्रैक्टिकल छूट गया है या कोई वाइवा छूट गया है तो उसका भी परीक्षा फॉर्म फिल किया जा रहा है। अगर आपका कोई एग्ज़ाम छूट गया है, रिटन पेपर जो होता है वो छूट गया है, या किसी पेपर में आपके मार्क्स कम आए हैं या किसी भी एक सब्जेक्ट में आप फेल हो गए तो इन सब के लिए आप इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम दे सकते हैं। और प्रैक्टिकल वाइवा छूट गया तो उसके लिए आप लेफ्ट आउट वाइवा जो प्रैक्टिकल फॉर्म है वो फिल करके उसे अपने संबंधित कॉलेज में जमा करें। इसके साथ ही अगर आपके किसी सब्जेक्ट में स्पोर्ट एंड फिजिकल एजुकेशन के पेपर में नॉट क्लियर लिखा हुआ है या फिर इन्वायरमेंट के पेपर में सब्जेक्ट में नॉट क्लियर लिखा हुआ है तो उसका भी फॉर्म फिल किया जा रहा है, वो भी आप फिल कर दीजिए। ये सारी चीज़ें जो बताई गई यहाँ पर, ये वाली ये वार्षिक परीक्षाएं देने वाले स्टूडेंट्स के लिए। बाकी आप फॉर्म साथ इस तरह से बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।